तो दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी और सेट और इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले वीडियो में हमने तीन टाइप के डेटाबेस पढ़ लिए थे ऑलरेडी, जिनका नाम था स्ट्रिंग, ट्यूपल, लिस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी टाइप के डेटाबेस के बारे में और इसके जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे कुछ हम करके यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए डिक्शनरी के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो आपको पिछले एपिसोड में दे ही दिया था, बल्कि पूरा ही दे दिया था, लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको रिकैप करा देते हैं सीरियल की तरह। तो डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इन की वैल्यू पेयर्स इंक्लूड विद कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, म्यूटेबल यानी कि डिक्शनरी में चेंज किए जा सकते हैं। और डिक्शनरी में जो है एलिमेंट दो तरह के होते हैं, की वैल्यू के पेयर होते हैं और उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत, इस तरह के ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिखते हैं। तो इसकी चलिए हम यहाँ पे एक कोडिंग कर लेते हैं ताकि डिटेल में आपको समझ आ जाए। तो हम एक डिक्शनरी का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम शॉर्ट में डिक लिखेंगे और इसमें हम एक कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे। इसमें हम यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू लिख के की लिखेंगे। एप्पल मान नाम की हमने की बनाई, इसकी हमने एक वैल्यू दी 1000 और थोड़ी हमने इसको 500 वैल्यू दी, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमने एक और की बनाई जिसका नाम हमने रखा समोसा, इसकी हमने एक वैल्यू दी 1000। और नेक्स्ट हमने एक की बनाई जिसका हमने नाम रखा ऑरेंज यानी कि, और इसकी मैंने एक वैल्यू दी 1500। इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन की वैल्यू के पेयर बना लिए। अच्छा डिक्शनरी में एक चीज़ आप याद रखना कि जो आपको की बनानी है, जैसे मैंने की मैंने यहाँ पे ऑरेंज समोसा ऑरेंज एप्पल बनाया है, तो एक चीज़ याद रखें ये जो की बनानी है उसमें कोई इम्यूटेबल चीज़ ही होनी चाहिए, यानी कि जो डेटा होना चाहिए वो इम्यूटेबल होना चाहिए। अब मैंने एप्पल रखा है, आप यहाँ पे इंटीजर भी रख सकते हो क्योंकि वो भी इम्यूटेबल होता है, लिटरल्स होता है, तो ये चीज़ याद रखना। जबकि यहाँ पे बात की जाए वैल्यू के चक्कर में, जो यहाँ पे मैंने 500 हज़ार 1500 रखी है, तो इसमें आपको कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंट कर देते हैं डिक्ट को और देख लेते हैं इसका टाइप क्या होता है। तो टाइप हम इसका भी देख लेते हैं, तो प्रिंट और टाइप डिक का देखेंगे। डिक जो है वेरिएबल है हमारा और इसको हम प्रिंट करते हैं। देख लीजिए इसने बता दिया कि डिक्ट यानी कि डिक्शनरी है। अब हम क्या करेंगे इसका, हम ये देखेंगे कि इसमें से हम कैसे की को निकालें और कैसे वैल्यू को निकालें। तो प्रिंट और डिक डॉट की हम फंक्शन चलाएंगे, ऑपरेशन चलाएंगे और ये हमारी की को निकाल देगा। देख लीजिए इसने की को बाहर फेंक दिया है। इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यूज को भी बाहर फेंकवा सकते हैं, तो वैल्यूज को भी यहाँ पे बाहर फेंक सकते हो आप इसी तरह। बस आपको डिक डॉट वैल्यूज कर देना है, वैल्यूज फेंक दी बाहर। अब मान लीजिए इसमें से आपको कोई भी की वैल्यू जानना है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है की डिक डॉट की। और यहाँ पे चलिए मैं सिंटैक्स पे बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है डिक, और यहाँ पे आपको मान लीजिए किसी भी आपको की वैल्यू पता करनी है। अब आप कहोगे ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो छोटा सा डिक्शनरी थी इसमें देख लेते हैं, इसमें पता करने की क्या बात है। ये तो आपने छोटा सा एग्जांपल देखा है डिक्शनरी का, बड़े बड़े एग्जांपल आप कंपनियों में देखोगे तो वहाँ पे तो डिक्शनरी इतनी बड़ी बड़ी डेटा होता है, उसमें आप देखोगे थोड़ी ना कि एप्पल इसमें आए, एप्पल की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको देखिए डिक लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट खोल देना है, उसके अंतर्गत आपको की लिख देना है जिसकी आपकी वैल्यू पता करनी है, और लास्ट में फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट से ब्रैकेट बंद कर देना। उसने बता दिया एप्पल की जो वैल्यू है वो 500 है यानी कि 500 है। और इसमें बात कर लेते हैं एक नए टाइप की, हम यहाँ पे डिक्शनरी बनाते हैं और उसमें भी एक ऑपरेशन हम यहाँ पे चलाएंगे। तो डिक्शनरी हम एक नई बना लेते हैं, इसमें मैं क्या करूँगा आपकी बार वैल्यू रखूँगा, इसमें मैं आपके मन के ई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ए मैंने एक बना लिखा। और यहाँ पे जो हम भाई अब की बार जो वैल्यू लेंगे वो इस बार वैल्यू हम थोड़ा अलग टाइप की लेंगे, 1 2 3 लिख दिया। और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट जैसे ही मैंने इसमें देखिए एक ही की वैल्यू का पेयर लिया, ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सिर्फ एग्जांपल आपको बताना है। और चलिए इसे प्रिंट करा देता हूँ। तो ए देखिए वही चीज़ प्रिंट हो चुकी है, ए हमारा की है, 1 2 3 लिस्ट के अंतर्गत हमारे वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें मुझे 2 प्रिंट कराना है, कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, बस आपको प्रिंट और वेरिएबल लिख देना है 2, और यहाँ पे आपको लिख देना है ए नाम का जो की है, ए नाम की जो की है, ठीक ना, वैल्यू आपको प्रिंट करानी है लिस्ट में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स पता करनी है, वैल्यू आपको 2 पता प्रिंट करानी है। 2 कितने इंडेक्स पर है लिस्ट में,
वैल्यू में, तो 0 1 वन इंडेक्स पर है। ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्टिंग होती है, पहले पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो काउंट जब किया जाएगा वो 0 से काउंट किया जाएगा। 0 पर 1 है, 2 किस पे है, 1 पे, 1 इंडेक्स पे है। तो देखिए मैंने 1 इंडेक्स ही लिखा है। फाइनली मैं इसे प्रिंट कराऊंगा और देख लीजिए इसने 2 प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट सिंटैक्स देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुझे पता करना है, तो इसे मैं हटा देता हूँ और फिर से मैं ये पे एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और वो थोड़ी बड़ी बनाता हूँ। तो वही चीज़ें फिर एप्पल और 500 और समोसा और 1000 और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ डिंक को, डिक को, डिक को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे जो है एरर आया है, और एरर इसलिए आया है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, अब सही है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलती छोटी छोटी होती ही रहती हैं। तो यहाँ पे उस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन डिक्शनरी, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जांच करनी है कि कौन ये की या इसमें प्रसिद्ध प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हम चेक करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे की, तो हमें पता करना है क्या एप्पल इस वाले जो डिक्शनरी है इसमें की जितनी भी है उसमें एप्पल है। एप्पल इन कीच डॉट, और इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंटैक्स देखी है वही लगाया है नहीं, तो डिक्शनरी डॉट कीज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो एप्पल इन कीच इन डिक्स, हाँ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो इन डिक्शनरी डॉट कीज करना है। तो यहाँ पे डिक डॉट कीच ये यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, और अब देखिएगा इसने बता दिया ट्रू, यानी कि एप्पल जो है इस डिक्शनरी में की है, ठीक है ना। तो उसने देखिए प्रिंट कर दिया, ट्रू कर दिया। इसी तरह से आप वैल्यू भी पता कर सकते हो कि ये वैल्यू इस डिक्शनरी में है या नहीं है। सिंपल सा आपको बस क्या करना है, 500 लिख देना है। 500 क्या मतलब, जिसका भी आपको चेक करना हो तो 500 बता देगा कि वैल्यू इसमें है या नहीं है, लेकिन आपको की जगह वैल्यूज कर देनी है और ये जाँच करके बता देगा। ट्रू कर दिया, सही में प्रेजेंट है एप्पल की, यही तो है। अब मान लीजिए मुझे इसके आइटम्स को फिर अब मैं यहाँ पे आइटम इसके प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे वो भी मैं कर सकता हूँ, आइटम्स और प्रिंट डिक, बस प्रिंट कर दूंगा। इसने देखिए बता दिया, देखिए आइटम सारे प्रिंट कर दिए। अब मान लीजिए मुझे इसमें से सारी एलिमेंट को क्लियर कर देना है, तो क्लियर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर हो जाएगी, यानी कि सब एलिमेंट अंदर के गायब हो जाएंगे, देख लीजिए गायब हो गए, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशन करके देखे, और चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट सिंटैक्स देते हैं, नेक्स्ट मान लीजिए कोई हमने दूसरी डिक्शनरी बनाई, उसमें मुझे डिक्शनरी एक के ही सारे एलिमेंट चाहिए, तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो बहुत ही फटाक से। तो कैसे कॉपी करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिक टू नाम की एक डिक्शनरी बनाई, हम क्या करें चाहते हैं कि डिक्शनरी जो डिक है उसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाएं, तो डिक डॉट कॉपी और प्रिंट करूँगा डिक टू को, क्योंकि डिक टू हमने नया वेरिएबल बनाया ना, और एलिमेंट हमें चाहिए डिक के पहली वाली की कॉपी करना है ना। तो देख लीजिए इसने दूसरी जो डिक टू नाम की हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे डिक के उसने इसने कॉपी कर दिए दूसरी वाली डिक्शनरी में। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सिंटैक्स देखते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन चला कर देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट अपडेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, डिक डॉट अपडेट। अब आपको क्या करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए एप्पल में जो है मुझे यहाँ पे 500 ना चाहिए होगा, मुझे चाहिए वो एप्पल में 1500, तो देख लीजिए एप्पल में जो 500 बदल जाएगा। तो अभी नहीं बदला है, क्यों नहीं बदला है, क्योंकि अभी इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट डिक, देख लीजिए इसने एप्पल में 500 की जगह 1500 कर दिया। अब मान लीजिए इसमें मुझे कोई नया एलिमेंट यहाँ पे डालना है, तो वो भी आप डाल सकते हो, डिक डॉट अपडेट और सिंपल सा वही, और यहाँ पे मैं एप्पल नहीं, नया एलिमेंट डालने हैं ना, की भी नया डालूंगा, पेयर भी नया, की भी नया डालूंगा, वैल्यू भी नया डालूंगा,
तो भी आप सिंपल तरीके से डाल सकते हो, बस वही चीज़ है, सिंपल सा सिंटैक्स है, यूज करो। और यहाँ पे नई वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, अभी ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी प्रिंट नहीं किया है। और यहाँ पे डिक, और ये देखिए प्रिंट, फाइनली फाइनली आपके सामने यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हमने डिक्शनरी समझी क्या होती है, डिक्शनरी टाइप के डेटाबेस क्या होता है, उसका ऑपरेशन करना मैंने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं सेट की। सेट इज एन ऑर्डर्ड एंड अनमिक्स्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इंक्लूड विद कर्ली ब्रैकेट्स, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन सेट्स। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आप कोई दो बार यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं घुसड़ सकते हो, एक ही चीज़ एक ही बार आएगी। सेट की बहुत ही बड़ी खासियत होती है, इसको हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं। और उसी की पूरी मैथमेटिक्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी, आज पढ़ दीजिएगा फिर। चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे लेंथ, हम सबसे पहले तो सेट एक बनाकर देख लेते हैं कैसा सेट होता है, ठीक है ना? तो सेट एक बनाते हैं। सेट हमने एक वेरिएबल बनाया, जरूरी नहीं कि सेट ही बनाओ, मतलब जो भी बना सकते हो, ठीक है ना? मैं सहूलियत के लिए अपने बना लेता हूँ ताकि पल्ले मुझे पड़ता रहे। तो 1 2 2 2 2 3 4 5 6 सेट बन गया। प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट ऐसे ही नहीं करता हूँ, टाइप भी चेक कर लेता हूँ ताकि टाइप भी पता चल जाए सेट है भी या फिर कुछ और है। तो इसने बता दिया कि सेट ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सेट की लेंथ कैसे देखी जाती है। लेंथ ऑफ सेट वेरिएबल, और मैं प्रिंट करूँगा सेंट को सेट। तो इसने देखिए लेंथ, इसमें मुझे पता चलेगी सेट की कितनी है। और लेंथ, और इसने सेट जो है लेंथ ये बता देगा ऑटोमेटिक। तो अभी मैं यहाँ पे लेंथ इसकी पता करूँगा और यहाँ पे प्रिंट चलाऊँगा। पहले ही लाइन में चलाना पड़ेगा, सेकंड लाइन में नहीं मानेगा, और इसीलिए इसने प्रिंट नहीं किया। देख लीजिए 6 इसने बता दिया कि 6 इसकी लेंथ है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस लेंथ तो पता कर ली, अब इसका मिनिमम पता करना है मुझे। मिनिमम मिन और सेट, और यहाँ पे प्रिंट मैं पहली ही लाइन में कर देता हूँ वरना फिर ये वही लोचा कर देगा। तो यहाँ पे पिन मिनिमम और प्रिंट कर दिया, 1 मिनिमम वैल्यू है सेट में। प्रिंट मैक्स, और किस सेट में बात कर रहे हो, सेट वेरिएबल देखिए वही चीज़ है, मैक्स कर दिया 6 इसने बता दिया। अब मान लीजिए इसमें मुझे कोई नई वैल्यू यहाँ पे इंट करनी है, तो यहाँ पे सेट डॉट एड, और यहाँ पे नई वैल्यू मैं यहाँ पे कोई डालना चाहता हूँ सेट में, तो डॉट एड फंक्शन लगाना है और प्रिंट कर देना है सेट में को। सेट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे जो है नई वैल्यू भी इसमें ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई नई वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकते हो। मान लीजिए सेट को आपको क्लियर करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, सेट डॉट क्लियर क्लियर। और आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है प्रिंट सेट सेट देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे सेट को भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से सेट देखिए मेरा क्लियर हो गया और वहाँ पे सब जीरो हो गया, यानी कि अंदर का सारे एलिमेंट हटा दिए। यही होती, इसको देखिए जो 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 इसने अभी जीरो किया ना, यानी कि सेट के अंदर का सारे जो एलिमेंट थे सबको हटा दिया। तो इसको हम नल सेट भी कहते हैं, या वॉइड सेट भी कहते हैं, या रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना? 3 शब्द आपको बता दिए। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्लियर हो गया, अब इसे मुझे पॉप करना है, तो सेट डॉट पॉप कर देते हैं, यानी कि एक को बाहर हम फेंक देंगे, तो वो भी यहाँ पे अब हो जाएगा, वो सब जाएगा। तो बस प्रिंट, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पॉप कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा पॉप फ्रॉम मेन एम्प्टी स्पेस। अच्छा, इसमें देखिए मैंने जो अभी सबको जीरो कर दिया ना, एलिमेंट सब डिलीट कर दिए हैं, तो इसलिए अभी ये एलिमेंट जो सेट है वो जीरो हो चुका है। तो अभी ये पॉप करेगा ही नहीं क्योंकि कुछ उस अंदर बचा ही नहीं है, तो उसको सब मैंने डिलीट किया, अब पॉप करेगा। प्रिंट सेट डॉट पॉप, और यहाँ पे देखिए 1 इसने देखिए पॉप कर दिया, यानी कि एक एलिमेंट उसमें बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो इस तरह से पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए इसमें मुझे जोड़ना है, सारे सेट को जोड़ना है, तो सम सेट कर देना है, तो वो भी हो जाएगा। तो सम सेट सम, और यहाँ पे सेट, और प्रिंट कर देते हैं सेट को, प्रिंट सेट, और यहाँ पे
जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पे जो है नहीं, तो अभी यहाँ पे सम सम नहीं किया है, तो यहाँ पे प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है वो पहली लाइन में चलेगी। जब देखिए काम आपके मन का ना बने तो वो लाइन दरअसल ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसमें देखिए प्रिंट जो है, अब यहाँ पे देखिए इसने सम कर दिया, यानी कि जोड़ कर दिया, एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया, जो कह लीजिए। अब यहाँ पे हम यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस इस सबसेट डिजॉइंट हम देखेंगे, तो उसके लिए हम नया सेट दो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नया सेट हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू सेट बना लेते हैं, और दो मैं यहाँ पे सेट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 6 6 6, तो गड़बड़ हो रहा है यार। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बी बनाता हूँ, और यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, तो हाँ अब ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसमें प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए डॉट यूनियन बी करूँगा, और इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और यूनियन दरअसल होता क्या है वो भी बता देता हूँ। अब इसको अब वो वाला यूनियन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ए डॉट यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट यूनियन बी, तो मैंने ए डॉट यूनियन बी लिखा, इसका मतलब क्या होता है ए डॉट यूनियन बी। यूनियन का मतलब ये होता है कि ए में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कुछ एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, ए से बी में भी कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। उन कॉमन एलिमेंट को इस सेट अपने में नहीं लेता है, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सेट जो है डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है, तो वो कॉमन जो एलिमेंट होते हैं उसको हटा देता है, बाकी सारे एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ये 1 से 9 तक जाएगा, आप देखिएगा ये जो है 1 से 9 तक लेकर जाएगा। तो ये क्यों इसने एरर दिखाया है, मीनिंग ही गलत कर दी है, तो गलत दिखाएगा ही, अब हो जाएगा फटाक से, देख लीजिए प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो यूनियन इस तरह से किया जाता है। अब इसमें हम जरा इंटरसेक्शन कर लेते हैं, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, वो भी समझ लीजिए। ए डॉट इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन भी होंगे, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्ट कर दो, यानी कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या फिर आप ऐसे थोड़ा डायग्राम में भी समझना चाहें, दो बिंदु जहाँ पे मिलते हैं, दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जो कॉमन होते हैं उस जगह का जो पॉइंट है, वो जो कॉमन है उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, या फिर ऐसे आप समझ लीजिए अभी ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जो कॉमन चीज़ें हैं उनको बाहर फेंक देगा, और देख लीजिए 5 6 को बाहर कर दिया है, तो ये होता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस, तो डिफरेंस भी यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, तो ए डॉट डिफरेंस डिफरेंस बी, ए डॉट डिफरेंस बी, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, अंतर यानी कि घटाना। तो ए में जो प्रेजेंट एलिमेंट है और बी में जो प्रेजेंट एलिमेंट है, ए के कुछ एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, और ए में जो प्रेजेंट एलिमेंट है, जो बी में प्रेजेंट एलिमेंट है उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि ए में 100 एलिमेंट है उससे जो है बी में उपस्थित एलिमेंट को घटा दिया जाएगा, और हमारा डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि अंतर यानी कि घटाना यानी कि सब हाँ हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 आ चुका है, और उसने जो है घटा दिया है पहले सेट से, ए सेट से बी सेट को घटा दिया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डिफरेंस हो गया, अब इज सब्जेक्ट का देख लेते हैं इसका क्या माजरा है। तो ए डॉट इज सबसेट, देखिए इसमें आपको स्पेस नहीं देना है वरना ये एरर कर देगा, मैं बता देता हूँ। तो ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट क्या होता है, सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इज सबसेट दरअसल होता क्या है। इज सबसेट का मतलब ये होता है कि मैं देख रहा हूँ ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए में जो ए एलिमेंट में जो उपस्थित एलिमेंट है, ए सेट में जो उपस्थित एलिमेंट है, क्या वो बी सबसेट में है। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 6 हमारे सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ए इज नॉट सबसेट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट जो है वो नहीं है। तो देख लीजिएगा फाल्स बता दिया है इसने अपने आप, वही मैंने आपसे कहा था कि सबसेट है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं डिसजॉइंट की,
डिसजॉइंट क्या होता है? तो मुझे इसकी हिंदी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट, हाँ, ए डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है कि ए सेट में जो एलिमेंट हैं और बी सेट में जो एलिमेंट हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में हो? यदि ऐसा होगा तो वो डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता। डिसजॉइंट के लिए दोनों में बिल्कुल अलग अलग चाहिए होगा। तो देख लीजिए, ये भी ये फाल्स बता देगा, देख लीजिए फाल्स बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डिसजॉइंट यानी कि कुल मिलाकर के सेट पे सारे ऑपरेशन कर सकते हो। ये दरअसल और कुछ नहीं, ये दरअसल जो मैथ्स होती है क्लास 12th की, वही है पूरी थी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में काम आती है। ठीक है, तो आज इसका यूज केस पढ़ा गया, पढ़ लिया आपने। अब बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट। हम यहाँ पे आपको मैंने 25 वर्ड बताए थे जो मैंने कहा था कि आगे यूज आएंगे कोडिंग में। तो वो 25 वर्ड का आज यूज आपको, 25 तो नहीं लेकिन तीन उनमें से आज आपको पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से? इफ, एलिफ एंड एल्स। ये तीन का हम एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाता है कोडिंग में, और इनका उपयोग ट्यूपल के साथ करेंगे, इनका उपयोग हम लिस्ट के साथ करेंगे, इनका उपयोग हम डिक्शनरी में करेंगे। हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे पाइथन में कि टर्नरी ऑपरेटर से हम बड़ी बड़ी कोडिंग को छोटा कैसे कर सकते हैं, और बिल्कुल नेक देर में काम आपका बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है पाइथन में, ये भी हम देखेंगे। और चलिए सारा कुछ बाद में देखेंगे, पहले हम कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, एक हम एक प्रोजेक्ट आपके सामने बनाएंगे कि ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ कि यदि कोई पर्सन हो, अगर वो इंडियन हो और इसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, तो उसको वोट को अलाउ कर दो, और जो ना हो उसको वोटिंग को अलाउ ना करो। ऐसा फंक्शन कैसे बनेगा? आपको ऐसा फंक्शन बनाना है, इसी मतलब प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे? बस सिंपल सा लिखो, अब यहीं पे यूज आएगा इसका। ठीक है ना, तो इंडियन है यानी कि ट्रू। इंडियन क्या है? ट्रू है यानी कि हाँ, चलो इंडियन है। और एज कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो वेरिएबल बनाते हो ना, वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर ये बड़ा बना दिया तो फिर जो नीचे है यानी कि जब प्रिंट करेंगे तो वो भी उतना ही बड़ा बनना चाहिए। एक एक चीज़ का, एक चीज़ गड़बड़ की तो ये केस सेंसिटिव होता है, वेरिएबल आपका मैच नहीं करेगा, एरर दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज जो हम रखेंगे वो कितने रखेंगे? 18 साल। ठीक है, तो यहाँ पे 18 साल हमने एज कर दी। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे इसको दूसरी लाइन में ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे? कि इफ एज इज ग्रेटर आर इक्वल देन 18। एंड देखिए, पहली कंडीशन हमने कहा लिखी कि 18 साल उम्र हो या 18 साल से ज़्यादा हो। अब हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था ना, एंड ऑपरेटर का जब यूज किया जाता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पिछले एपिसोड देख कर आइए। ठीक है, बीच में कूदोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एज कितनी है? 18 साल से हो जाता हो या फिर 18 साल ही हो। आप क्या करते हैं, इंडियन भी हो। ये हमने एक दो कंडीशन लगाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने रेशियो का चिन्ह लगा दिया। अब हम करेंगे प्रिंट। अब आप कहोगे कि प्रिंट शुरुआत से काहे ने किया, बीच से काहे कर दिया? देखिए, ये इंडेंटेशन कहलाता है, ये इतनी जगह आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप इससे अटैच कर रहे हो, ये कंडीशन को आप इससे प्रिंट करवा रहे हो। अब अगर यहाँ पे प्रिंट कर दोगे तो उसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा, उसका मतलब ऊपर वाली लाइन का अलग हो जाएगा। यदि इन दोनों लाइन को कि मैं आपको जोड़े रखना है, तो प्रिंट जो है इंडेंटेशन का आपको उपयोग करना पड़ेगा, यानी इतनी जगह आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इतना समझ लो अभी के लिए, आगे मैं बताऊंगा ये क्यों छुड़वाई जाती है। मेन लॉजिक इसका इतना ही है, अभी समझ लो। प्रिंट, अब प्रिंट हमें क्या करना है कि एनीबडी कैन वोट। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है, अगर ये दोनों कंडीशन सही हो तो उसमें लिख के आ जाए कि एनीबडी यू कैन वोट कर दें। एनीबडी क्या होता है? यू कैन वोट, यानी कि जो प्रोग्राम चलाएगा उसके सामने ये लिख कर आ जाए, यू कैन वोट या यू कैन नाइन वोट। तो मैंने क्या किया, इफ एज इज ग्रेटर आर इक्वल देन 18 एंड इंडियन, प्रिंट यू कैन वोट। और एल्स देखिए, इफ तब लिखा जाता है जब कंडीशन मैंने लगाई। अब एल्स लिखना है कि अगर ऐसा ना हो तो का प्रिंट करना है, मतलब कुछ तो बता रहा है ना कि चुप पे थोड़ा बढ़ जाना है। तो अब मुझे ये बताना है कि अगर ऐसा कंडीशन
अब देखिए एक चीज़ याद रखना, एंड ऑपरेटर लगा है तो इसमें जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक ये प्रिंट करेगा ही नहीं, इफ़ वाले के साथ जो प्रिंट लगा है। जब दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू का ही जो आउटपुट है वो ट्रू आता है, तब ये प्रिंट करेगा यू कैन वोट। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ हो गई तो प्रिंट ही नहीं करेगा। फिर क्या कर देगा ये प्रिंट, फिर ये कर देगा एल्स, यानी कि जब कुछ भी ना मैच करे, यानी कि एक भी क्या मतलब दोनों जब मैच नहीं करेगा तो वो एल्स वाला प्रिंट कर देगा। और एल्स में आपको क्या करना है, जिसकी ये कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो उसमें लिख दो यू कैन नॉट वोट। तो बन गया हमारा एक फंक्शन यू कैन नॉट वोट। जो बड़ी बड़ी साइटों में आप लिख के देखते होगे वो सारा कुछ ऐसे ही फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो यही उसके पीछे सारा, जो आगे तो आपको यूआई कुछ और दिखती होगी लेकिन पीछे जो बनाया जाता है वो ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए इसने प्रिंट कर दिया है यू कैन वोट, क्योंकि क्या था, मैंने यहाँ पे इंडियन रखा था वो भी ट्रू था, और एज जो थी वो भी 18 साल थी। और देख लीजिए इसने प्रिंट कर दिया है यू कैन वोट, यानी कि अगर मैं कोई प्रोग्राम में ये चीज़ बना दूँ, अगर ये लिख दूँ तो वो इसी तरह से काम करने लगेगा। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट तरीके का आपको बनाया और मैंने आपको समझाया कि इफ़ का यूज़ क्या होता है, एल्स का यूज़ क्या होता है, इंडिटेशन क्या होता है। अब हम एक और इसका यूज़ देख लेते हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एलिफ। आप मैंने कहा था ना कि इफ़ का बताऊँगा, एल्स का बताऊँगा, एलिफ का बताऊँगा, एलिफ तो अभी यूज ही नहीं किया, तो एलिफ का भी देख लेते हैं। तो बस एक प्रोग्राम बनाते हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30, नेक्स्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ए इज ग्रेटर देन सी, समझते रहना, देखते रहना दिमाग से, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा, ए सबसे बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा समझने का नहीं है। ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि जब ए बी से बड़ा होगा और सी से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर तो हो ही जाएगा, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ऐसा ना हो, अभी देखिए फंक्शन खुद बता देगा कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस फ्लोटिंग करनी है। एल्स नहीं, अब एलिफ लगेगा, एलिफ, क्योंकि हम दूसरी कंडीशन भी लगाने जा रहे हैं। अभी तक क्या हमने देखा था पहले वाले में कि एक ही कंडीशन लगाई थी, उसमें मैंने दो कंडीशन और लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे उसमें भी बात नहीं बन रही तो एक एक कंडीशन और जोड़ देंगे, टोटल कंडीशन हमारे पास 4 कंडीशन बना दूंगा। तो देखिए कैसे होगा, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, ये देखिए आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, तो फिर क्या होगा, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, प्रिंट बी इज ग्रेटेस्ट नंबर, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, अब हम लगाएंगे यहाँ पे एल्स। मान लो अगर ये दोनों कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो, यानी कि ए भी बड़ा नहीं है, बी भी सबसे बड़ा नहीं है तीनों में से, तो फिर कौन बड़ा होगा, सी लगा दे, तीसरी कंडीशन आ गई, तो प्रिंट सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए इतना बड़ा मैंने कोड रेडी कर दिया, ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बताता है। तो आप बताइए, अच्छा है ए बी और सी में कौन बड़ा है, ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है, हमें भी नहीं पता है कि कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा है, आपको भी पता होगा। आप देखें प्रोग्राम क्या बताता है, सही बताता है गलत बताता है। देखिए अगर सही लॉजिक से बनाओगे प्रोग्राम तो सही ही बताएगा, अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखना एक एक चीज़ का, क्योंकि यह नहीं कि इसमें एक भी चीज़ आपकी छोड़ दी जाएगी, एक गड़बड़ की पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। देख लीजिए इसने ऑटोमेटिक बता दिया सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, और वाकई में ग्रेटेस्ट ही है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको तीनों के यूज केस बता दिए, इफ का यूज बताया, एलिफ का यूज बताया, एल्स का यूज बताया। अब इनको हम जरा ट्यूपल, लिस्ट और डिक्शनरी में देख लेते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है। तो ट्यूपल में, तो ट्यूपल मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन अब मैं इनका ट्यूपल में यूज देख लेता हूँ।
तो मैं एक ट्यूबल बना लेता हूँ, तो ट्यूब पी ईयर, तो ट्यूब पी वन नाम का एक ट्यूपल बना लेता हूँ। ट्यूपल की खासियत क्या होती है, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा होता है और इसमें मैं कुछ एलिमेंट घुसेड़ देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ये ट्यूपल बन गया। कामा नहीं लगा है, लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। प्रिंट कर देते हैं ट्यूपल वन को। ए बी सी को इसने प्रिंट कर दिया। आप देखिए इसमें हम इफ का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इफ ए इन ट्यूपल, ए मैं ए इन ट्यूपी वन या ट्यूपल वन जो कह लीजिए, तो इफ ए इन ट्यूपी वन मैंने क्या लिखा, इफ ए इन ट्यूपी वन तो प्रिंट करो ए इज प्रेजेंट इन ट्यूपी वन, ए इज प्रेजेंट इन ट्यूपल वन, ठीक है। तो अभी ये बता देगा कि अगर अगर ए अगर ट्यूपी वन में होगा तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि प्रेजेंट है, और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ हो तो भी तो उसको कुछ को बताना है कि कहाँ प्रिवेंट करना है, क्या इसे ही छोड़ देना है। तो एल्स भी आप लगा सकते हो नीचे कि अगर ना प्रेजेंट हो, यानी कि एल्स एल्स ए इज नॉट प्रेजेंट इन ट्यूपल वन, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे, आप करके अपना देख लेना, हम बस ऐसे ही प्रिंट कर देंगे। तो इफ ए इन ट्यूपी वन प्रिंट ए इज प्रेजेंट इन ट्यूपल वन, तो ये चूंकि स्ट्रिंग है तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा अंदर वाली, ठीक है ना। डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है वरना एरर ऐसे ही आता रहेगा, ए इज प्रेजेंट इन ट्यूपल वन, इसने बता दिया है ऑटोमेटिक, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसमें हम चाहते तो एल्स भी लगा सकते थे, तो अगर नहीं प्रेजेंट होता तो वो बता देता है, लेकिन हम जब लंबे प्रोग्राम लिखते हैं तब करते हैं, क्योंकि ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमने नहीं लगाया, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट होएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम किस में यूज देखेंगे, अब हम लिस्ट में यूज देखेंगे, तो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, लिस्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसमें हम रखेंगे 25, 15, 15 और 20। एक हम दूसरी लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट दो, इसमें भी हम कुछ एलिमेंट रख देते हैं, तो 50, 75, 100 100 रन करा देते हैं। तो ये हमने रन करवा दी। इफ 25, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ 25 इन लिस्ट वन, इफ 25 इन लिस्ट वन एंड 50 इन, देखिए स्पेस देते रहना, इन लिस्ट टू, रेशियो जरूर आखिरी में लगा देना। प्रिंट, अब प्रिंट क्या करना है, अगर देखो 25 प्रेजेंट हो लिस्ट एक में, 50 प्रेजेंट हो लिस्ट दो में, देखिए गड़बड़ हो गया, टी नहीं लगाई है यहाँ पे, हाँ तो अभी देखिएगा, अगर 25 प्रेजेंट हो लिस्ट एक में, 50 प्रेजेंट हो लिस्ट दो में, तो प्रिंट कर दो का प्रिंट करना है, कौन सा डाटा टाइप का प्रिंट करना है, स्ट्रिंग, तो वो चीज़ खास ध्यान रखो वरना फिर गड़बड़ कर देगा। तो प्रिंट कर दो कि 25 एंड 50 आर प्रेजेंट इन लिस्ट वन एंड टू एंड लिस्ट टू, बस इतना ही तो करना है, और देख लीजिए प्रिंट कर देगा। प्रिंट
25 ऑफ एम्प्टी आर प्रेजेंट इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, वाकई में प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट ना होते, अगर इसमें मान लीजिए लिस्ट एक में 25 जो है लिस्ट एक में प्रेजेंट होता और 50 लिस्ट दो में प्रेजेंट ना होता, तो ये वैल्यू को प्रिंट ही ना करता, क्योंकि एंड का सिंपल सा रूल है कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू जो आउटपुट निकलेगा वो प्रिंट करेगा, आउटपुट ट्रू करेगा, वरना ये प्रिंट ही नहीं करेगा। मैंने आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उसमें बताया, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज़ कर देंगे और, तो क्या करेगा, तो ये अगर एक में भी वो रूल फॉलो हो रहा होगा, यानी कि एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही होगी, तो भी ये प्रिंट कर देगा। और का मतलब यही होता है कि एक बस बात बात सुनो बाकी जाओ बाढ़ में। तो ये इस तरह से ये काम करता है। अब हम देखेंगे, तो हमने लिस्ट के साथ भी देख लिया, अब इसका हम जरा डिक्शनरी में यूज देख लेते हैं किस तरह से हम इसको डिक्शनरी में भी यूज ला सकते हैं। तो एक हम यहाँ पर डिक्शनरी बना लेते हैं। तो डिक्शनरी D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे एप्पल और यहाँ पे मैंने रेशियो का चिन्ह लगाया, वैल्यू रख देते हैं 500 कामा ऑरेंज और मैंने यहाँ पे 1000 और फिर कामा और इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा D1 को। तो इसने ऑटोमेटिक देखिए प्रिंट कर दिया एप्पल 500 उसको सबको, ठीक है ना। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ D1 एप्पल एप्पल यदि D1 में जो की है एप्पल वो अगर 500 है, कितनी है 500, अगर बराबर 500, देखिए एक चीज़ याद रखना, बराबर इसमें हमेशा डबल रखा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अर्थमेट लॉजिकल ऑपरेटर्स में बताया था, याद रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर D1 में जो की है एप्पल वो अगर 50 है, सॉरी 50 नहीं 500 करना है वरना प्रिंट ही नहीं करेगा, अगर 500 है तो हमें क्या कर दो, तो जो है फाइव हंड्रेड है तो प्रिंट कर दो, तो D1 और यहाँ पे हम यूज करेंगे इस तरह का और एप्पल और लगा देंगे इक्वल का चिन्ह और D1 फिर वही चीज एप्पल, देखते रहिए अभी समझ आ जाएगा, पहले मुझे कोड लिख लेने दीजिए, प्लस 100 10000 कर देते हैं 10000 और प्लस मैंने 10000 कर दिया और प्रिंट D1। तो इसने देखिए क्या किया, देखिए ध्यान से, मैंने इसमें कंडीशन लगाई इफ D1 यानी कि D1 जो वेरिएबल है, D1 जो डिक्शनरी है, उस D1 में जो एप्पल की है यदि उसकी वैल्यू 500 है तो प्रिंट करो कि D1 जो एप्पल जो की है उसमें 10000 जोड़ दो, यानी कि बराबर देखिए D1 एप्पल इज इक्वल टू D1 एप्पल प्लस 1000 10000 कर दो। अगर ये सारा कुछ खेल डिपेंड करता है 500 पर, अगर इक्वल हो एप्पल की जो की है उसकी वैल्यू जो है 500 हो, तब अगर ये यही नहीं होगा तो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं, वो फंक्शन चलेगा ही नहीं, सिंपल सा एरर दिखा देगा, ठीक है। तो पूरा डिपेंड करता है यहाँ पे। तो देखिए चूंकि 500 प्रेजेंट था इसलिए इसने जो है एप्पल में 10000 जोड़ दिए। सिर्फ एप्पल में ही नहीं, आप इस तरह से कोई भी चीज़ में कुछ भी करवा सकते हो, इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके उपयोग में ला सकते हो। इफ एल्स का उपयोग इससे बेहतरीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप इसमें एल्स भी लगा सकते थे अगर ये कंडीशन ना फुलफिल हो, हालांकि वो बड़े बड़ी चीज़ों में आप लगा सकते हो ताकि अगर एरर ना है वो एल्स को भी प्रिंट कर दे। तो हमने देखिए यूज जो है ट्यूपल में देखा, लिस्ट में देखा, डिक्शनरी में देखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो है शॉर्ट सर्किट, ठीक है।
अब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट देखने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट को यहाँ पे देखते हैं। तो शॉर्ट सर्किट दरअसल कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये दरअसल ऐसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने आपने एज इक्वल टू 5/0 लिखा, एज इक्वल टू 5/0 लिखा, और हमने प्रिंट किया क्या, हमने प्रिंट किया 5/0, 5/0 हमने प्रिंट किया और इसे मैंने ऐसे कर दिया। तो इसने देखिए क्या चीज़ की, ये देखिए हम शॉर्ट सर्किट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम शॉर्ट सर्किट पाइथन में पढ़ रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसको अभी छोड़िएगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। शॉर्ट सर्किट इन पाइथन, तो शॉर्ट सर्किट को पहले देख लीजिए। हमने एज इक्वल टू लिखा 5/0। अच्छा एक बात बताओ, 5 को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत आता है, यानी कि डिवाइड ही नहीं होता है। क्यों नहीं डिवाइड होता है, क्योंकि यदि आप गंभीरता से देखो जा करके तो 0 कुछ नहीं है, और कुछ नहीं को तो कुछ में भाग करोगे तो फिर वो कभी कुछ कुछ कभी कुछ नहीं क्या बन सकता है, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि 5/0 आप करोगे तो वो कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कच्चा दो का लड़का भी जानता है, सब जानते हैं 5/0 डिवाइड ही नहीं होता है, ये सिंपल सा रूल है। तो इसीलिए जो है ये हमारा पाइथन जो प्रोग्राम है वो भी बता देता है कि क्या पूछ रहे हो, मतलब ऐसा तो होएगा ही नहीं, यानी कि डिवाइड होएगा ही नहीं 0 से। तो यहीं पर शुरू होती है शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम। तो बना लेते हैं फंक्शन और देखते हैं ये शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होती क्या है। दरअसल इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया, उसके पीछे एक रीजन है। इफ ट्रू आर 5/0, 5/0, इफ ट्रू आर 5/0, प्रिंट 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 ट्रस्टेड इंडियन। चलिए मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। तो अब सुनो, मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई है कि यदि ट्रू हो या 5/0 डिवाइड हो जाए, तो इसमें आप समझोगे कि 5/0 है तो ये तो प्रोग्राम एरर दे देगा, रन ही काय करेगा। तो क्या लगता है आपको, चलेगा प्रोग्राम? देखिए ये प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, और ये एरर भी नहीं देगा। इसके पीछे रीजन इतना है कि ये सिर्फ ट्रू को उठा लेगा और ये 5/0 को काउंट ही नहीं करेगा, यानी कि इसको शॉर्ट कर देगा, यानी कि इसको छोड़ देगा, इसको इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ ट्रू को देखेगा, आगे फिर इसे चलाएगा ही नहीं, यानी कि ये सिर्फ ट्रू को देखेगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि और जो ऑपरेटर होता है उसमें यदि एक भी वैल्यू, एक भी कंडीशन, दो कंडीशन में से अगर ट्रू हो जाती है तो प्रिंट कर देता है सिंपल सा। तो यहाँ पे जो है 5/0 पर अगर वो जांच करता तो वो इसमें एरर डाल देता, लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले ट्रू उठा लिया और सीधे इसमें वो प्रिंट कर देगा कि ट्रस्टेड इंडियन। उसने 5/0 पर उसने देखा ही नहीं, उसने बस ट्रू उठा लिया। इसी को हम प्रॉब्लम को कहते हैं शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम, कि उसने बस ट्रू पे ऑपरेशन अपना चलाया, 5/0 को देखा ही नहीं, और इस चक्कर में हमारी कोडिंग रन हो गई, और इसी का फायदा उठाया जाता है हैकर्स के द्वारा। यही चीज़ें होती हैं जो हैकर्स एक फायदा हमेशा उठा लेता है इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी गलतियों का जो आप कर देते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, ये छोटी छोटी गलतियाँ आपकी एक हैकर को मौका देती हैं कि उस सिस्टम में आपके घुस जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, देख लीजिए जैसे ट्रस्टेड इंडियन काम कर दिया, ठीक ना। तो कुछ गलतियां हमारी लैंग्वेज में भी होती हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आपको पता ही होनी चाहिए, वरना कभी भी कोई भी फायदा मार देगा। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट की समस्या मैंने आपको समझाई, सब कुछ समझाया, काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाई। कल हम देखेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स से, और आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका होगा। तो वीडियो यदि अच्छे लगते हो, समझ आता हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और आपका फर्ज है कि इसको जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो भी लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग या लैंग्वेज इत्यादि इत्यादि सीखना चाहते हो, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है ना, हर जगह शेयर करते हैं।